हेलो आमी, आज हम आपको BTS के बारे में बताएंगे और अगर आप यहाँ थंबनेल देखकर आए हैं तो ऑफ कोर्स आप उनको जानते ही होंगे और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि BTS 7 मेंबर्स का एक कोरियन बॉय बैंड है जिसकी फुल फॉर्म है बैंगटेन सोनयोन डेन, जिसका मीनिंग होता है गिरकर फिर से उठना, जैसे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसके अलावा BTS को बैंगटेन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है। इस बॉय बैंड को सियोल साउथ कोरिया में बिगिट एंटरटेनमेंट के फाउंडर CEO बैंग सी ह्यूक द्वारा 2010 में बनाया गया। अब हम बात करते हैं BTS मेंबर्स के बारे में। BTS में कुल 7 मेंबर्स हैं, किम नामजून, किम शोकजिन, मिन युंगी, जंग होसुक, पाक जिमिन, किम तयोंग, जियोन जंगकुक। अब हम सबसे पहले BTS लीडर RM के बारे में बात करेंगे, जिनका पूरा नाम किम नामजून है। RM का जन्म 12 सितंबर 1994 को डोंगजैक जीयू साउथ कोरिया में हुआ, जो कि BTS के फर्स्ट मेंबर थे। RM को रैप मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। RM की करंट एज 27 इयर्स है। RM एक रैपर है, उसके अलावा वो एक सॉन्ग राइटर और एक बहुत बेहतरीन डांसर भी हैं। RM ने एपिक हाई, जो कि एक अल्टरनेटिव हिप हॉप ग्रुप है, उसको सुनकर 6th स्टैंडर्ड में रैप स्टार्ट किया। RM जब हाई स्कूल में थे तो उन्होंने अपना नाम रंच रांडा रख लिया और इसी नाम के साथ उन्होंने रैपिंग की। अब RM ने सोलो रैपर बनने का डिसाइड किया। RM जब हिप हॉप एजेंसी में ऑडिशन देने गए तो वहाँ उनकी मुलाकात अनटचेबल स्लीपी से हुई, जो कि ऑडिशन जज थी। RM की रैपिंग स्किल से इम्प्रेस होके उन्होंने RM को बिग हिट के फाउंडर बैंग सी ह्यूक से मिलवाया और वहाँ एक बार फिर RM का ऑडिशन हुआ और उसके बाद बिग हिट ने RM को एज अ ट्रेनी साइन कर लिया। जिन का पूरा नाम किम श्योक जिन है, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1992 को ग्वाशियान में हुआ। जिन BTS के फोर्थ मेंबर थे, जिनको ओरिजिनली SM एंटरटेनमेंट द्वारा स्काउट किया गया था, बट स्टार्टिंग में जिनको लगा कि ये फ्रॉड है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बिग हिट ने जिन को कैसे ढूंढा। एक्चुअली जिन वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट। जब एक दिन जिन बस से घर जा रहे थे तो बिगिट के एक एम्प्लॉय को हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन पसंद आ गए। बिगिट के एम्प्लॉय ने जिन को ऑडिशन के लिए मनाया। आखिरकार काफ़ी मनाने के बाद जिन ऑडिशन के लिए राजी हो गए। जिन ने एक एक्टर बनने के लिए ऑडिशन दिया, हालांकि बिगिट के इरादे तो कुछ और ही थे। शुगा का पूरा नाम मिन युंगी है। इनका जन्म 9 मार्च 1993 को देगू साउथ कोरिया में हुआ। शुगा जब हाई स्कूल में थे तब से शुगा ने रैपिंग करना शुरू किया। तब उन्होंने अपना नाम ग्लोस रख लिया और इसी नाम के साथ उन्होंने अपनी रैपिंग जारी रखी। शुगा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके कारण उनका जीवन काफी मुश्किल भरा रहा। हालांकि शुगा को एज अ रैपर और एज अ प्रोड्यूसर अपना नाम बनाने में काफी समय नहीं लगा। इसी समय के दौरान शुगा ने बिग हिट के हिट इट रैपर कॉन्टेस्ट का फ्लायर देखा और वहां जाके ऑडिशन दिया। हालांकि शुगा इसमें फर्स्ट तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल की। फिर बिग हिट ने शुगा को साइन किया एज अ प्रोड्यूसर और एज अ ट्रेनी। हालांकि शुगा का मन केवल एक प्रोड्यूसर बनने का था, लेकिन शुगा ने BTS को 2010 में ज्वाइन किया और बैंड के मेन रैपर बन गए। शुगा ने एक बार मजाक में कहीं कहा था कि बिग हिट के फाउंडर ने उन्हें BTS का मेंबर बना दिया। जे होप का पूरा नाम जंग हो सुक है। इनका जन्म 18 फरवरी 1994 को ग्वानजू में हुआ। जेहोप बचपन से ही एक बेहतरीन डांसर थे। जेहोप ने JYP में ऑडिशन दिया था, लेकिन इससे पहले ही जेहोप अपने होम टाउन ग्वानजू में डांस क्रू न्यूरॉन के साथ जुड़े हुए थे। इसी क्रू के साथ उन्होंने वहां ऑडिशन दिया, बट वो वहां कुछ ही राउंड के लिए टिक पाए और फिर जेहोप ने बिग हिट में सोलो ऑडिशन दिया। बिग हिट को जेहोप में एक डांसर के साथ एक रैपर की क्वालिटी दिखी, इसीलिए बिग हिट ने जेहोप को एज अ ट्रेनी साइन कर लिया। जेहोप ने इस बात को प्रूव किया कि एक डांसर सिर्फ डांस नहीं बल्कि रैप भी कर सकता है और आज जेहोप BTS के 3 बेहतरीन रैपर्स में से एक हैं। जिमिन का पूरा नाम पार्क जिमिन है। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1995 को बुजान साउथ कोरिया में हुआ। जिमिन बुजान के हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक स्टूडेंट थे। इसके अलावा जिमिन डांस भी करते थे। जिमिन के एक डांस टीचर जिमिन से काफी इम्प्रेस हुए, फिर उन्होंने जिमिन को बिग हिट में ऑडिशन देने को कहा। जिमिन ने अपने होम टाउन बुजान में ऑडिशन दिया और उसके बाद उनको सियोल ले जाया गया, जहां पर वो एक ट्रेनी बन गए। वी BTS ग्रुप के सेकेंड यंगेस्ट मेंबर है और इनका पूरा नाम किम तयोंग है।
वी का जन्म 30 दिसंबर 1995 को देगू साउथ कोरिया में हुआ। वी एक फार्मर के बेटे थे और उनका सपना बड़े होकर एक म्यूजिशियन बनने का था। जब वी थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने पापा के सजेशन पे सैक्सोफोन बजाना शुरू किया। अब वो काफी अच्छा सैक्सोफोन बजा लेते थे और उनका सपना अब बड़े होकर सैक्सोफोनिस्ट बनने का था। एक दिन जब वी अपने दोस्त के साथ बिग हिट में ऑडिशन देने गए, हालांकि वी वहां पर केवल अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए गए थे, बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बिग हिट के एक टीम मेंबर ने वी को देखा तो उन्हें ऑडिशन देने के लिए एनकरेज किया। अपने पापा से परमिशन लेने के बाद वी ने ऑडिशन दिया और नेक्स्ट डे सेलेक्ट भी हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि वो जहाँ रहा करते थे वो बहुत छोटी सी जगह थी। आज भी जब वहाँ के लोग वी को टीवी या यूट्यूब पर देखते हैं तो उनपे काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और आर्मी को भी वी पे बहुत ज्यादा प्राउड है। जेके, जिनका पूरा नाम जियोन जंगकुक है, इनका जन्म 1 सितंबर 1997 को बुसान साउथ कोरिया में हुआ। जंगकुक बीटीएस ग्रुप के सबसे यंगेस्ट मेंबर है। 15 साल की उम्र में इन्होंने बीटीएस के साथ डेब्यू किया। जेके को बीटीएस के फाउंडर ने कुछ इस तरह ढूंढा। जंगकुक अपने होम टाउन बुसान में सुपरस्टार के, जो कि एक साउथ कोरियन टेलीविजन टैलेंट शो है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन आइडल होते हैं। जंगकुक सुपरस्टार के सीजन 3 में ऑडिशन देने के लिए गए, बट उन्हें ऑडिशन के राउंड में ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन शो ने उन्हें 7 एजेंसीज द्वारा स्काउट करने के लिए एक इनफ एक्सपोजर दे दिया था। उन 7 एजेंसियों में JYP, FNC, स्टारशिप एंटरटेनमेंट जैसी एजेंसी शामिल थी। हालांकि लास्ट में जंगकुक ने एक ट्रेनी बनने के लिए बिग हिट में ऑडिशन दिया और बिग हिट ने जंगकुक की वोकल स्किल्स को देखते हुए उन्हें एज अ ट्रेनी साइन कर लिया और उन्हें डांस प्रैक्टिस के लिए कैलिफोर्निया भेज दिया। जंगकुक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बिग हिट को इसलिए चुना क्योंकि उसमें RM थे, जिन्होंने अपनी रैपिंग से जंगकुक को इम्प्रेस कर दिया। फाइनली द वीडियो हैज एंडेड। आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप प्लीज यार, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।